व्हाट्स अप गाइस, क्या होगा भाई, आज करेंगे आईफोन पे व्लॉगिंग। इसको नहीं लेके जाना भाई, ये हमें बहुत उतावला हो जाता है भाई साहब बाहर जाने के लिए, पर आज नहीं, नॉट टुडे हीरो। नेक्स्ट टाइम जब बीच जाएंगे तब तुझे पकड़ लेके जाएंगे बाबू। अभी फिलहाल आवाज़ अच्छा आ रहा है, बट बाइक पे जाके देखना पड़ेगा कि बाइक चलाने के बाद आवाज़ कैसा आता है। एक्चुअली एप्पल के जो माइक्स होते हैं वो काफ़ी लेट्स गो, हर बार इसके चक्कर में लेट हो जाता है यार मोटो व्लॉगिंग सेटअप करते करते। जय माता दी, गणपति बप्पा, लेट्स गो। फाइनली आईफोन के साथ मोटो व्लॉगिंग हो ही गई शुरू। आज जा रहे हैं कहाँ पे, नेशनल पार्क जा रहे हैं। आज रोड आज खाली है तो मज़ा आएगा गाड़ी चलाने, क्योंकि संडे है, संडे को रोड खाली होते हैं। बाइक अच्छी जा रही है, 64, 60, 65 पे जा रही है, और विंड ब्लास्ट भी काफ़ी है। मैंने वाइजर बंद नहीं किया है हेलमेट का, अब एक बार देखते हैं वाइजर बंद करने के बाद कैसा आवाज़ आता है अंदर से। ये सब यार पता नहीं रहता, डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। संजय गांधी नेशनल पार्क आ गए, और भुवन बाम होता है तो मुझे लगा भुवन बाम बैठा है, ऐसा नहीं। हो चुका है, नेशनल पार्क चालू तो है बट व्हीकल अलाउड नहीं है अंदर, गाड़ी या बाइक पार्क करके फिर चल के जाओ अंदर घूमने के लिए, वैसा हम लोग को नहीं करना है। प्लान चेंज, जा रहे हैं नरीमन पॉइंट, तो बोरीवली में है अभी फिलहाल संजय गांधी नेशनल पार्क के पास। अब यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा अपने को नरीमन पॉइंट, तो जा रहे हैं नरीमन पॉइंट। इधर आके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक जो है वो हेलमेट के अंदर है और फोन कनेक्टेड है, तो मुझे हिलाना नहीं सेटअप। अभी रुके हैं, भाई गया पेट्रोल भरवाने, वो आ जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे वापस। रोड्स आर वेरी एम्प्टी एंड मूविंग ट्रैफिक है, तो मज़ा भी आ रहा है हम लोग का एक्चुअली। बच्चे जा रहे, चालू था ऐसे ऐसे एंटिक लोग है भाई, आपको देख लो मुंबई में, आपको आपने मुंबई में गाड़ी चला ली तो आपने कहीं भी चला ली। एक मुंबई है, ये देखो एड़ भगा रहा है, ये मैंने देखा यूपी भी गए थे जब भी, बहुत एक्सट्रीमली रिस्की चलाते सारे गाड़ी, ये इतना हॉर्न पीटते, इतना हॉर्न पीटते कि क्या बोलूँ मैं। दूसरे नंबर पर अहमदाबाद में है, ये तो ठीक है चलो सब लोग सही जा रहे, पर अहमदाबाद में सारे यहाँ से ऐसे आते हैं, यहाँ यूँ यूँ। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, अब पता चला हमको कि ट्रैफिक क्यों था। एक्चुअली लता जी के फ्यूनरल के लिए सारे जमा इकट्ठे हुए थे, पहले तो ऐसा यार क्यों है इतना ट्रैफिक है ये वो, बट अब जब पता चला तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगर पूरा दिन भी खड़ा रहना पड़ता ट्रैफिक में तभी कोई बात नहीं। अभी फाइनली मज़ा आ रहा है मुझे चलाने में, अभी खड्डे तो देखो भाई साहब, ओए होए होए खड्डे, हम बोलते हैं मुंबई में और ये दिल्ली में बोलते हैं गड्ढे। पहुंच गए हैं टाउन, उधर एक्चुअली क्या है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। ये है इटर्नल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ पैसे मिलेंगे, लोन चाहिए था। पंखा चालू हो गया बाइक का, बाइक लगा दूं मैं, थैंक यू। 2 मीटर का साउंड ना, क्योंकि हेलमेट लगाने का देखने को नहीं होता, बता मेरे को। पंखा चालू इसका वापस, बहुत टाइम के बाद आए कोलाबा मार्केट, जिसने नहीं देखा है वो देख लो कोलाबा मार्केट कैसा दिखता है। ये यहाँ पे ले रहा, मास्क क्यों नहीं पहना मैंने, मेरा कैमरा घुमाई। और हाथ की तो बैंड बच रही थी, टैन हो चुके हाथ ऑलरेडी, अभी आज नहीं पता चलेगा, जब जिम जाऊँगा ना तब पता चलेगा कि हाथ कितना टैन हुआ है। We'll be right back.
शाबाश He hates kids. Finally reached home after a very very long and tiring day. बहुत ज़्यादा travel किया आज हम लोग को 2 बज गए रात के 10 घंटे बाहर थे. मेरे हाथ की बैंड बज चुकी है bike पर travel कर करके. हाथ triceps की वाट लग चुके मेरे. Let's go to sleep. Very tired. Thank you for watching this vlog. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना तो फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बीच में व्लॉगिंग बंद कर दिया था मैंने क्योंकि बहुत भयंकर ट्रैफिक था. हमको भी पता नहीं क्या हो रहा था. काफी सारे रोड्स बंद किए, काफी सारे मिनिस्टर जा रहे हैं और वी इवेंचुअली लैंडेड एट कोइंसिडेंटली लैंडेड एट शिवाजी पार्क. एंड ये आप देख रहे, दिस इज द लाइन. एंड ये लाइन जाती है वहाँ तक. इट्स अ वेरी बिग क्यू एक्चुअली. आज अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट लता मंगेशकर जी. इट्स अ वेरी बिग लॉस टू द इंडियन इंडस्ट्री ऑफ म्यूजिक. एंड वी आर ग्लैड दैट वी लिव्ड इन हर एरा. जस्ट शो यू कितनी मतलब डिजर्व, मतलब मेरी औकात नहीं है बोलने की, बट वो डिजर्व करती है. मतलब इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए उनके दर्शन के लिए, लास्ट दर्शन के लिए. और हम लोग को पता नहीं था ये बात ऐसा कुछ हो भी रहा है आज. जो हमने सोचा कि चलो जाते हैं कहीं पे व्लॉग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कोइंसिडेंटली और एज आई एम ऑल्सो रिलेटेड टू म्यूजिक. और क्या बोलते हैं कि मतलब मेरा खानदान पूरा म्यूजिक से रिलेट करता है. मन भरा है यहाँ पे आके. मेरा भाई देने का अपने आँखों से आई डोंट नो व्हाट टू से बट